तो भाई तुम्हारा गेम स्टार्ट क्या है? अंकल बुला रहे हैं सब आपको, प्लान कैंसिल हो गया हमारा। है नहीं संजय वन चलेगी? है नहीं ना। तो भाई राइट नाउ हो रहे हैं 4:15 और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज गर्मी लग रही है और आज दिन में मैंने 2 से 3 बार नहा लिया और आज दिनेश और साई लगता रहने वाले हैं डिनर पे। वो इफ्तार पे तो नहीं आ पाएगा, पता नहीं क्या है उसका झुमिला, हर बार का यही नाटक करता है। क्या बोलूँ यार मैं, और अभी लेटे पड़े हम सब। हमारा संजय वन जाने का प्लान बन रहा था बट कैंसिल हो गया, क्या करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखो क्या होता है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो भाई आज मेरे घर पे आ रहे हैं मेरे दो दोस्त साहिल और दिनेश, उनकी दावत है तो थोड़ा बहुत सामान लेने जा रहा हूँ मैं किचन का। तो मम्मी ने कुछ सामान बोला है, साहिल के घर भी जाना है इफ्तार लेके, तो मैं फटाफट ये काम करता हूँ। फिर भाई आधा सामान ले लिया, बहुत ही जल्दी जल्दी करा मैंने बिकॉज टाइम भी नहीं है। और अभी साहिल के घर और इतना सारा सामान बस 10 से 15 मिनट में लेके आया हूँ। मारा किसी ने है नहीं क्या? बिना मतलब का नाटक करती है, आदमी मारता भी नहीं है तभी भी रोती है। ये देखो क्या हुआ है, मैं जस्ट इफ्तार देने गया था साहिल के घर पे और मुझे रोजा वहीं खोलना पड़ा बिकॉज टाइम हो गया था। और टाइम क्यों हुआ बिकॉज अमन को मैंने सामान बोला था काटने के लिए, अमन को सामान बोला था काटने के लिए, उसने लेट लगा दी और जब देने गया तो और लेट हो गया। अब घर पे आऊंगा तो इनकी सुननी पड़ेगी। मेरे दो दोस्त महान साहिल अख्तर और दिनेश अभी तक आए नहीं है, 6:50 हो गए और लेट इसके कारण हुआ हूँ मैं आज। और मम्मी मुझे सुना रही है, अब आराम से शांति से अपना इफ्तार करता हूँ क्योंकि दोस्त खाता हूँ आराम से, फिर मिलता हूँ मैं आपको। रोजा तो वहीं खोल लिया था साहिल के घर पे मैंने, इसको 3 फल दिए काटने के लिए मैंने, आधा घंटा लगा रहा था। हाँ, अंकल इसका टेस्ट कैसा होगा मैंगो से? तो आपने पिया नहीं अभी तक? तो पीना है तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा आइसक्रीम होती है इसके ऊपर, मजा आता है। और दिन बनाएंगे गद्दारी कर सर। इफ्तार के बाद बिरयानी खाने का मजा ही अलग है। जस्ट राइट नो अभी मैं बिरयानी खाने जा रहा हूँ। भाई एक बंदा आ चुका है टाइम पे भैया। भाई मेरे दोस्त तुम्हारी कसम के, तुम जानते नहीं यार मेरे दोस्त ऐसे है ना, दिल से उनके लिए क्या निकलता है वो मैं ही जानता हूँ। ये एंड मौके पे है ना मना कर देते हैं। भाई राइट नाउ हम बस स्टैंड पे बैठे हैं, पिछले आधे घंटे से, आधा घंटा एक घंटा पहले पंडित पे गए, फिर हमने वड़ा पाव खाया, फिर हमने गोलगप्पे खाए और अभी फिर अख्तर का वेट कर रहे हैं हम। अगर वो नहीं आया तो सामने पापड़ भी दिख रहे हैं, वो भी खाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो आप भाई घर जाके डायरेक्ट बिरयानी खानी है, पुलाव चावल, तो वही खाएंगे जब तक उसका वेट कर रहे हैं। हम वेट इसलिए कर रहे हैं उसका बिकॉज उसको घर का रास्ता नहीं देखा है, फिर वापिस आना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पे खड़े हैं, बैठे हैं मतलब। भाई यार हम पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे हैं ना, फोन कहीं पे छोड़ के जा चुका है अपना, हम उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका फोन कोई और उठा रहा है। और हम यहाँ बीकानेर पे आधे घंटे से खड़े हैं और हमारी माता श्री अम्मी कॉल पे कॉल कर रही है, कह रही है टाइम पास कर रहे हैं। वैसे भी पूरा फुट देगा वो, देगा तो अलग बात है, बोले क्या पता मेरे बारे में तो बात किया कुछ। हम वेट ही कर रहे हैं उसका, 5 मिनट वेट करके देखते हैं, अगर आएगा तो आएगा नहीं तो फिर चले जाएंगे, ब्राह्मण ही लेने आएगा उसके। जल्दी आ गए तुम? अरे हैं भाई पिछले दो घंटे से भाई ये बंदा। A few moments later. तो भाई वो सारे तो चले गए, डिनर विनर कर लिया, फिर हम बीकानेर पे गए, थोड़ा बहुत स्वीट वीट खाया और अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।